3 लाख रुपए दूंगा अगर नेचुरल हुआ तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि जैसे ट्रेनिंग तो वो भी करा रहे हैं, वेट उठाते हुए हट गया मेरे पीछे राम जी खड़े हैं। ऐसा इंजेक्शन भी अब आता है कि उसे लगाती अगले दिन मैं डोप में नहीं पकड़ा जाऊँ, इतना मोटा मोटा फील हो रहा है, देख के मेरा उठाने का मन नहीं कर रहा। तो हाँ जी, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप मैं छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल और एक नई वीडियो में। तो भाई जो आज की वीडियो है वो एकदम नॉर्मल, मतलब रैंडमली बन रही है। वो कैसे बन रही है कि विजय आया हुआ था मिलने, तो कोई कंटेंट भी नहीं था डालने के लिए, तो मैंने कहा एक वीडियो भी शूट हो जाएगी। तो उसने सामने से पूछा कि भाई क्या वर्कआउट करोगे, तो मैंने कहा चेस्ट का वर्कआउट करेंगे, कह रहे शूट कर दूँ, मैंने कहा कर दे। तो मैं जो भी अपनी चेस्ट की अच्छी एक्सरसाइज करूँगा वो आप लोगों को बताऊँगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि गेनिंग सीरीज मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा, तो जो जो चीज़ मैं खाऊँगा पीऊँगा सब कुछ ओपनली आप लोगों को दिखाऊँगा। और खाने पीने से एक चीज़ याद आई, अभी एक रील में देख रहा था जो मेरी थोड़ी सी 2-4 भाइयों ने मुझे भेजी और कमेंट्स में वो लोग मुझे टैग भी कर रहे हैं उसमें, कि जहाँ पे मैंने बोला था कि मैं 3 लाख रुपए दूंगा अगर नेचुरल हुआ तो, और मतलब थोड़े उसमें उस भाई के फेवर के कमेंट भी थे कि मैं उससे जल रहा हूँ। तो एक बहुत सीधी और प्यारे अक्षरों में एक बात समझाऊंगा भाई, मैं उस आदमी से जलता अच्छा लगूंगा जो मेरे थोड़े से लेवल पे हो, मतलब लेवल इन द सेंस मैं उसमें नहीं कह रहा कि पैसे में या उसमें, मैं अभी 26 साल का हूँ और मुझे गर्व होता है इस बात पे कि पिछले 4-5 साल से मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इस चीज़ का मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि वो भाई बहुत सी स्टोरीज डालते हैं अपने क्लाइंट्स की, तो उनके क्लाइंटों ने भी मुझे कुछ उन्हें मैसेज करे हैं, तो करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे। तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि जैसे ट्रेनिंग तो वो भी करा रहे हैं, कि इतना अगर उनकी जिम में से कोई बंदा भी कर जाए, मतलब टोटल पूरी जिम के बंदे भी कर जाए, अकेले तो बहुत दूर की बात। और बात रही अब 3 लाख रुपए की, तो मैंने ये बोला था उसमें कि भाई अगर बंदा नेचुरल हो, अगर उसने कोई टैबलेट वगैरह भी यूज़ करी है, लाइक स्टेना क्लेन कुछ भी उसने यूज़ करी है, तो उसे छोड़ देंगे। बट कोई मतलब अब मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ तो भाई मतलब अगर इतना तो मुझे पता है कि अगर मेरे मुँह से कुछ बात निकलेगी तो जिसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये चीज़ मैं अपने उससे बोल रहा हूँ, इतना भरोसा मुझे खुद पे है कि जो बात मैं जिस इंसान के लिए अगर मैंने बोली है वो बात उस तक ज़रूर पहुँचेगी। तो और कहने का मेरा ये मतलब था आप लोगों को अवेयर करने का कि भाई एक सत्तू से आपकी बॉडी नहीं बन सकती, ये चीज़ आप लोग समझो, अंधविश्वास में मत जियो। सत्तू आपका खाली पेट भरेगा, अगर आप सोच रहे हो कि उससे हमारी बॉडी बन जाएगी, अगर आप उसे वे प्रोटीन से कंपेयर कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं है। कल को अगर वो पेट में जम गया भाई, आत में प्रॉब्लम आ जाएगी आपके इंटरनली बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको छोटा सा, जैसे आटा होता है, आटे की रोटी खाते हैं, चने की रोटी खाते हैं, तो आप उसमें लगाए ना दूध मिला के आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हो। मैंने 2-3 मतलब सुना है 2-3 भाइयों से जिन्होंने यूज़ करा था, उस दिन फैजलपुरिया भाई भी आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने खाया और मेरे खाते ही लूज मोशन लग गए, मतलब दूध से उनसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, पहला तो ये। सो भाइयों मैं उन्हीं अपने ये भाइयों को ये बताना चाहूँगा, जलना वलना भाई बहुत छोटी चीज़ें हैं। मैं तो मेरे जो जैसे हमारा पागल बना था ना किसी टाइम में सन 2016-17 में, मैं नहीं चाहता मेरे अब जो भाई मुझे देख रहे हैं, जो भाई 2-4 प्यार करते हैं, तो सबसे पहला जो जितने मेरे भाई ये देख रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि बॉडी आपकी कैसे बनेगी। आप लोग सोच रहे हो जिम जा रहे हो, जिम जाने से बॉडी नहीं बनेगी, उसका जिम का काम बस इतना रहेगा कि आप जाओगे आपकी मसल टूटेगी, उसके बाद जो आप उसे रिपेयर करोगे वो आप अपने उसे सप्लीमेंट से अपनी डाइट से रिपेयर करके उसे बड़ा कर सकते हो। मेन पूरा 4 साइकिल आप प्रॉपर घुमाओगे, स्लीप रेस्ट और आपका वर्कआउट, देन रिपीट। ये 4 चीज़ें जब घूमेंगी तब आपकी बॉडी बनेगी। बाकी मैं किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं बस ज़्यादा नहीं बोलते। मेन मेरा यही है कि जितने 2-4 भाई देख रहे हैं वो थोड़े समझदार बने। और मेन जो आजकल चल रहा है ना एक धर्म के ऊपर जो चल रहा है भाई, मतलब यार हम भी प्राउड होता है कि भाई हम हिंदू हैं, तो मतलब गर्व से नाम लेते हैं जय श्री राम, बट ये नहीं करते वेट उठाते हुए हट जा मेरे पीछे राम जी खड़े हैं, ये क्या मतलब है भाई? थोड़ा सा भाई समझदार बनो, आप लोग समझदार हो, सपोर्ट और प्यार उसको करो जो लायक हो, नालायक को नहीं, ठीक है जी। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ हो जाएगा, अभी चल रहे हैं अपनी करते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट, बहुत देर होगी बैठे हुए। तो गाइस अभी एक चीज़ और थी कि मैंने बोली थी कि मैं उस भाई को 3 लाख रुपए दूंगा अगर वो नेचुरल हुआ तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, अगर अब मेरे पास रिपोर्ट आने वाले 5-7-10 दिन में रिपोर्ट आती है तो भैया मेरी तरफ से फिर कोई नाम नहीं है, क्योंकि इस लाइन में मुझे इतना पता चल चुका है कि अगर मैं आज रात को कोई सामान लगा रहा हूँ तो ऐसे सामान, ऐसा इंजेक्शन भी अब आता है कि उसे लगाती अगले दिन मैं डोप में नहीं पकड़ा जाऊँगा, मतलब बॉडी में ही नहीं मिलेगा वो, ठीक है जी। जितनी हमें समझ है इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, तो बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई। तो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, पहले स्ट्रेच करेंगे और
चेस्ट की ट्रेनिंग करेंगे, और मैं भी एक चीज़ सोच रहा था वो ये चीज़ की वर्कआउट तो मैं आपको डेली दिखाता हूँ, मतलब कि क्या वर्कआउट कर रहे हैं तो वो मैं आपको बोल के बता दूंगा वीडियो के लास्ट में। बट जो आज मेन फोकस रहेगा पूरी वीडियो पे वो ये रहेगा कि मैं अपनी बेंच प्रेस देखना चाहता हूँ, मेरी बेंच प्रेस कितनी है। लास्ट मैंने 230 मारी थी 2023 के स्टार्टिंग में, वीडियो भी मैंने डाला हुआ अपने इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद फिर अपनी प्रेप स्टार्ट होगी। देन उसके बाद अभी जो मैंने लास्ट मारी थी वो थी 180 टाइगर भाई के जिम में, उसके हमने मारे थे 4 या 5 रैप शायद, तो वह ट्राई करेंगे। और अपने पास पूरा अभी 45 से 40 दिन है अपने आप को गेन करने के और अपनी स्ट्रेंथ और थोड़ी पावर बढ़ाने के भी, तो देखूंगा आज कितनी बेंच प्रेस जाएगी, उसके करेंगे हम 5 से 6 सेट। जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसका आपको थोड़ा बहुत दिखा देंगे, तो देखते हैं बेंच प्रेस कितनी जाती है, आप लोग पूरी देखना और बताना जरूर। भाई शीशे में ना खुद को देखने का मन भी नहीं कर रहा, हाँ इतना मोटा मोटा फील हो रहा। तो ये था अपना पहला पैंट, ठीक है 20-20, मतलब 20 इधर है 20 उधर है, 40 किलो और 25 किलो की हमारी बारबेल है, पूरी एग्जैक्ट 25 किलो की है। तो दूसरा सेट अपना 15-15 ऐड करा है, मतलब 35 एक साइड 35 एक साइड, टोटल 70 और 25 की राउंड 95 kg। अभी 2 ही सेट करें और हालत डाउन सी होगी, और जब प्रॉपर खाने पे रहते हैं ना अपनी प्रॉपर डाइट पे तब एक अलग पावर होती है। तो ये था भाई 125 kg, तो ये अपने तीसरे सेट में अब लगाते हैं 15-15 और। चलो एक 45 और 20, एक 65। तो भाइयों इसे देख के मेरा उठाने का मन नहीं कर रहा, बट करेंगे, इसे भी बुलाता हूँ 165 किलो, लेटने का मन भी नहीं कर रहा। आंखों के आगे धुंधला धुंधला दिख रहा है सब कुछ। चलो भाइयों करते हैं एक और ट्राई, ये हो गया 185। और ये इसे देख के लग रहा है कि 230 जब मारा था वो मारा कैसे था, 230 में भी 45 किलो खा में। एक सेल्फ था, दूसरे में हल्की हेल्प थी, तीसरे में पूरी थी, इतनी है। सो गाइस बेंच प्रेस हुई अपनी डन, 185 भी बहुत है यार 3 रैप, बट 45 से 40 दिन में अपनी जो बेस्ट था मेरा 230 उसे वापस लेके आएंगे। तो दूसरे एक्सरसाइज करेंगे अपनी इंक्लाइन बेंच प्रेस और हल्का ही वेट लेंगे। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Go. Please, Lord, give me a sign. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit. The like coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. I wanna be the greatest. Everybody on the beach, I'm in it. I'm like
Everybody is a fake, yes, I'm in this. Every day I'm living on the trip, and I don't go from this. I'm gonna stay the top, it's so big, and I'm in shit that I think is amazing. Wait, it's just the beginning. I need a playing change, I'll make me a thousand faces. I need a big swing, give me that crown. I'm hitting it, I'll never be put down. Moving on till I get it all. This is my town, if I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the music fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. हर तरीके की भाई न्यूट्रिशन का कोर्स भी करा हुआ है, पर्सनल ट्रेनिंग का भी सारे करे हुए हैं। तो भाई यही है, देख लो वो पढ़ा लिखा वो है, हम एक्सपीरियंस वाले। खुश रहें, खाते पीते रहें, मौज में रहें, लव यू।